हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं एडवोकेट शिप्रा गोयल, मेरे यूट्यूब चैनल जयपुर लॉयर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड क्या होता है, कैसे कार्रवाई होती है, आपके उसमें अधिकार क्या है, अगर पुलिस रिमांड के अंदर कितने दिन की मैक्सिमम रिमांड मिल सकती है, पुलिस कितना रिमांड ले सकती है, आज इन्हीं बातों में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो पे आप बने रहिएगा ताकि हम इस पर बात कर सकें और आपको नॉलेज मिल सके आपके अधिकारों की। तो दोस्तों, पुलिस रिमांड के अंदर क्या होता है कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर पुलिस जिसको भी अरेस्ट करके लाती है, तो अरेस्ट ऐसे नहीं किसी को भी उठा लाई। कोई भी FIR दर्ज होती है किसी भी प्रकरण में, अगर उसमें आपका नाम है या नहीं है, लेकिन एविडेंस के दौरान कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसमें आपका नाम आता है तो अरेस्ट किया जाता है। अब अरेस्ट पुलिस ने कर लिया, अरेस्ट करने के बाद क्या होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और इसमें यात्रा का समय निकाल दिया जाता है। दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पुलिस एप्लीकेशन लगाती है पुलिस रिमांड की। तो पुलिस रिमांड दोस्तों 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन और मैक्सिमम 15 दिन का होता है। अब ये जज साहब के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समय देते हैं पुलिस वालों का। वो जेन्युइन अगर कोई लगता है कि हाँ, इसमें कोई ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं है, पुलिस के पास एविडेंस है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, तो 3 दिन 5 दिन का भी रिमांड मिल जाता है। और नहीं तो अगर पुलिस इस रिमांड को बढ़ा भी सकती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है FIR में अपराध कितना संगीन है, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, इसके ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं कि रिमांड कितने दिन का हो। तो दोस्तों, रिमांड के अंदर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या पुलिस टॉर्चर करती है या भूखा रखती है या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस रिमांड का मतलब है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछे गए आपसे सवाल जो भी इस प्रकरण से रिलेटेड है, अगर आप उस प्रकरण का पुलिस को सहयोग करते हैं, सही सही जवाब दे देते हैं, तो पुलिस आपको कुछ टॉर्चर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप पुलिस को कोई के सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पुलिस सख्ती से पेश आ सकती है दोस्तों। और पुलिस रिमांड के बाद, इस दौरान रिमांड खत्म होने के बाद बेल की एप्लीकेशन वकील साहब लगा देते हैं। अब बेल की एप्लीकेशन में बहस होने के बाद जज साहब को अगर लगता है कि मामला जो है अभी संगीन है और पूछताछ की जरूरत है, तो रिमांड बढ़ा देती है, नहीं तो JC में ट्रांसफर कर देती है। तो दोस्तों, JC में ट्रांसफर हो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि पुलिस क्या व्यवहार करेगी, कैसे टॉर्चर करती है। तो इसमें टॉर्चर नहीं होता है, अगर आप पुलिस को सहयोग करते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, तो इसमें कोई टॉर्चर नहीं होता, कोई भूखा नहीं रखा जाता और इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार की जाती है दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, आप जरूर कमेंट्स में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आपके पास आऊंगी और आपसे अपना ज्ञान नॉलेज शेयर करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।